बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन हो चुका है। इस बार चयनकर्ताओं ने 16 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी पहले टेस्ट के लिए ही टीम का ऐलान किया गया है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच के खत्म होने के बाद कुछ खिलाड़ियों को पहले टेस्ट के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं चयन से जुड़ी 6 प्रमुख बातों को जो आपके लिए जानना जरूरी है। नंबर 1, आकाशदीप को मौका। आकाशदीप को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, एक ही मैच में 9 विकेट लेकर अपने टैलेंट का परिचय दिया। उनका डेब्यू भी अच्छा रहा था और अब बांग्लादेश के खिलाफ टीम में उनकी वापसी हुई है। नंबर 2, ऋषभ पंत की टेस्ट टीम में वापसी। ऋषभ पंत ने दिलीप ट्रॉफी के सेकंड इनिंग्स में शानदार 85 लगाया था, जबकि पहले इनिंग्स में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। लगभग 21 महीने के बाद पंत का पुराना फॉर्म देखने को मिला है और अब रेड बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी भी हो चुकी है। नंबर 3, ध्रुव जुरेल और सरफराज का चयन। ध्रुव जुरेल और सरफराज भी टीम में शामिल किए गए हैं। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन मिश्रित रहा था, इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने इन दोनों पर भरोसा दिखाया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि प्लेइंग 11 में ये दोनों खिलाड़ियों को जगह मिलती है या नहीं। नंबर 4, यश दयाल को मौका। यश दयाल को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और अब उन्हें एक लेफ्ट आर्म बॉलर के तौर पर मौका मिला है। टीम इंडिया में लेफ्ट आर्म बॉलर्स की कमी है और यश दयाल इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 5, स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट में स्पिन ट्रैक को देखते हुए इन चारों स्पिनर्स को मौका दिया गया है। नंबर 6, फास्ट बॉलिंग यूनिट। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल शामिल हैं। बुमराह को लेकर कुछ शंकाएं थी, लेकिन उन्हें भी टीम में जगह मिली है। टीम इंडिया को इस नई टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले टेस्ट मैच में कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं। पहले टेस्ट मैच की बात करें तो 19 से लेकर 23 सितंबर को चेन्नई के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कानपुर में होगा। आपकी राय इस टीम के बारे में क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और ऐसे ही क्रिकेट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।